वेलकम बैक गाइस। गाइस आज मैं स्विमिंग पूल में आया था, थोड़ा सा गर्मी वर्मी पड़ रही थी, आपको पिछली वीडियो में याद ही होगा कि हम अपनी गाड़ी चुरा के आ चुके थे। बाकी काफ़ी दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी पड़ी थी, इसलिए मैं काफ़ी दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला कि हमारी गाड़ी पकड़ में ना आ जाए, हमारा फेस फोटेज में उनको कॉपी इमेज ना हो जाए, तो इसलिए फिर बाकी इधर जकूजी में थोड़े यार पाँव गीले कर लेते हैं, बाकी निकलते हैं यार यहाँ बाहर। और थोड़ा ठंडा हो गया यार जिसम, और देखूँ यार ये अपना जिमी का ये रहा, जिमी लैपटॉप पे भाई कुछ काम वाम कर रहा है। बाकी यार ये हमारी मेड, और भाई साइड हो जा, साइड हो जाए यार, भाई इधर से ही जाना पड़ेगा हमारे को। बाकी ये हमारी अपना माइकल की बीवी एमेंडा, जिसे आपको पिछली वीडियो में नहीं मिलाया था, वो ये है, इसने भी फेस मास्क लगाया हुआ है। भाई गाइस ऊपर चलते हैं, बाकी अपना सूट वूट पहनते हैं। तो आज का सीन ये है कि हमें सीधा लेस्टर के पास जाना है, क्योंकि लेस्टर ने अपने बंदे कुछ भेजे, उन्होंने उसने बोला है तो मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें रिपेयर करने के लिए ना कुछ बंदे हैं मेरे पास, क्योंकि अगर हम आम रिपेयर करवाएंगे तो वो गाड़ी का जीपीएस वो सब कुछ देखकर लोग समझ जाएंगे कि गाड़ी चोरी की है। इसलिए हमने सोचा कि हम सीधा वही कर लेते हैं, क्योंकि वो बंदे अपने लेस्टर के और किसी को बताएंगे भी नहीं कि भाई गाड़ी हमारे पास है, बाकी हम रंग जीपीएस सब कुछ हटवा के उसको सेल कर देंगे गाड़ी को। बाकी भाई आज यार ये मेड एक तो हर जगह आ जाती है, इस मेड को मैं मतलब निकाल लूँगा, सारा दिमाग ख़राब करके रखा भाई। बाकी आज हम अपने देखें यार चल के गाड़ी को, गाड़ी बहुत गंदी तरीके से ठोकी थी, बहुत ही गंदी तरीके से। देखो आगे का तो पूरा बोनट वोनट बोनट नज़र ही नहीं आ रहा, बोनट होता क्या है ये तो समझ ही नहीं आ रहा। बाकी अभी चलते हैं जीधा बंदों के पास, उनके पास देखते हैं कि अपना वो गाड़ी कैसे रिपेयर करते हैं। बाकी गाड़ी उसने बोला कि तुम्हारे गैराज में खड़ी रहे, मेरे बंदे वहाँ पे तुम ले जाना और बाकी रिपेयर करवा लेना, क्योंकि घर में कोई नहीं आएगा ना। बाकी कुछ दिन तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था भाई, रोड पे पुलिस खड़ी हुई थी, रोड पे पुलिस खड़ी हुई थी अपना, वो लगता है मुझे कोई बड़ा ही बंदा था यार, जिसके लिए पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि गाड़ी का है, मगर पुलिस को क्या पता, हम तो उनसे भी ज़्यादा तेज़ हैं, तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी छुपा ली थी। बाकी बहुत दिक्कत हो रही थी, एक बार तो वो अपना ढूंढने के लिए भी आए थे, तो मैंने गाड़ी पीछे कर ली थी। और यार एक तो ये ठुक गई, चलो ज़्यादा ठूकी नहीं है, तू भी आ जा घुस जा। हाँ तो भाई अपना आई थिंक तो हमने गाड़ी ना पीछे के अपना घर के पीछे छुपा दी अपना उसमें घास में, तो इतना उन्होंने देखा नहीं, बस वो गैराज देखा और थोड़ा सा घर के बाहर देख के चले गए, तो उस वक्त तो हम बच गए थे, इसलिए ज़्यादा बचे रहे तो इसलिए हम गाड़ी का रंग वंग जीपीएस वीपीएस सब कुछ हटवा देंगे। बाकी जीपीएस तो अभी ऑफ हुआ पड़ा है, उसका कोई मसला नहीं है, लेस्टर ने पहले जीपीएस ऑफ कर लिया था, मगर जीपीएस कभी भी ऑन हो सकता है, इससे पहले हमें जीपीएस हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी ट्रैक हो गई तो फिर हम फंस जाएंगे। बाकी हम पहुंच चुके हैं अभी तो लेस्टर के घर पे, वही इसको खड़ी करते हैं, तो यहाँ स्क्रैच आ जाता है गाड़ी पे, वही उतरते हैं, हाँ ये उतर चुके हैं गाड़ी से हम, और चल के कैमरा में मुँह दिखाते हैं भाई, इसके बगैर तो ये खोलता नहीं, हैकर है ना यार, हैकर के घर में सिक्योरिटी होनी चाहिए। बाकी लेस्टर ने भाई दरवाज़ा खोल चुका है, और चलते हैं लेस्टर से बात करते हैं कि भाई क्या सीन है, और दो बंदे भी हैं यार अपनी गाड़ी तो सिंगल है, बात करते हैं लेस्टर से। तो भाई लेस्टर ने अभी मुझे पूरा सीन तो बता दिया, लेस्टर ने बोला है भाई कि तुम इसको ले जाओ और अपना देखो क्या सीन है। बाकी लेस्टर ने बताया भाई वो आम बंदा नहीं है, जिसके घर से हमने गाड़ी चुराई है वो एक माफिया है, वो मतलब एक बिग माफिया है, उसका भाई है, मतलब वो अपने माफिया भाई से भी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी देख के मैं पहले ही समझ गया था, मगर यार उस पर अभी भी मुझे थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं शौक हूँ मैं कि हम गए हमने फायर किया, मगर हमें किसी ने मारा क्यों नहीं, मतलब हमने इतनी आसानी से इतनी महंगी गाड़ी कैसे चुरा ली, ये थोड़ा सा मतलब अजीब बात है, देखते हैं। बाकी ट्रस्ट तो नहीं, मुझे लगता है कि कुछ मसला है, मैंने लेस्टर से बोल दिया, लेस्टर वहाँ की फुटेज वुटेज जो भी पता चले मुझे बता दिए। बाकी भाई हमारी सिंगल गाड़ी है, अपना लेस्टर को मैंने बोल दिया कि भाई इसको किसी गाड़ी से भेज दे, और बाकी मैं एक बंदे को लेके जा रहा हूँ, तो एक बंदा भाई हमारे साथ आ रहा है, बाकी वो खुद आ जाएगा, इसको हमें लेके जाते हैं, इस बंदे को भी गाड़ी दिखा दें। इनसे बात की, इन्होंने बोला जो भी गाड़ी है हम जीपीएस वीपीएस सब कुछ हटा देंगे, बाकी हम लेस्टर के वफादार बंदे किसी को बताएंगे नहीं। भाई मैंने बोला ठीक है भाई, तो भाई जल्दी से चलते हैं इनके साथ माइकल के घर पे। और फ्रैंकलिन का भी सीन लगा पड़ा था, फ्रैंकलिन भी उस चोरी के बाद भाई सीधा घर चला गया था, दो तीन दिन से तो मुझे मिला ही नहीं उसको, मैंने बोल दिया था भाई तू बाहर नहीं निकले, क्योंकि उसके काम वाम कुछ गलत हो गए ना, उसने भी उसी वक्त में किसी का जगह पे चोरी की, तो बस काम पूरा हो जाएगा, इसलिए अभी। और ये वाले रॉन्ग वे आ गया, मैं थोड़ा सा भाई घुमाते हैं गाड़ी को, और बाकी जल्दी से चलते हैं भाई घर पर, और दिखाते हैं इनको गाड़ी के भाई गाड़ी वाड़ी कैसी है, इनको भी समझ आती है, देखते हैं।
भाई हम गाड़ी भगा भगा के पहुंच चुके हैं अपने सीधा माइकल के घर पर, और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा सही है, तो जल्दी से चलते हैं अंदर अपना। हाँ ये रही वो गाड़ी, ठीक हो भाई यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो बंदा भी आएगा ना, उसका भी इंतज़ार करना है, इसको भी गाड़ी दिखा देते हैं भाई। बाकी इसको तो खास करके लिए जीपीएस के लिए बुलाया है, क्योंकि ये जीपीएस हटाने में बहुत माहिर है, तो इस बंदे से ही जीपीएस हटवाएंगे भाई हम लोग। चलते हैं देखते हैं भाई जीपीएस हटाने में कितना माहिर है। बाकी भाई अभी गाड़ी तो भाई आगे से माँ बहन हुई पड़ी है गाड़ी की, गाड़ी को आगे से तो वो बंदा दूसरा दे बोल रहा था, मैं अच्छे से सही कर दूंगा। बाकी इसको बोलते हैं भाई हटाओ जीपीएस, भाई ये काम पे लग चुका है, अभी अब दूसरे बंदे का इंतज़ार करते हैं उस बंदे के आने का, जब तक वो आए, और उसके बाद जब तक ये भाई जीपीएस भी हटा रहे हैं, इंतज़ार करते हैं उस बंदे का। तो भाई उस बंदे का इंतज़ार कर लिया, बाकी वो आ चुका है यार। बाकी अपना उसको दिखा देते हैं भाई कि गाड़ी की कैसे हालत है भाई। वैसे तो मुझे लगता है वो गाड़ी देख के बोलेगा भाई गाड़ी तो बहुत गंदी हालत में, क्योंकि यार हमारे पीछे पुलिस लग गई थी, हम कैसे बचाते, एक तो हम अनाड़ी ड्राइवर। भाई इसको दिखाते हैं जल्दी से गाड़ी, गाड़ी है वैसे तो। भाई उसको गाड़ी दिखाती, वो भी बंदा काम पर लग चुका है, अभी हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से, थोड़ा सा ग्रोसरी स्टोर यार, थोड़ा सा घर पे काम था, तो माइकल की वाइफ ने उसे बोला कि भाई जाके ग्रोसरी स्टोर से कुछ जल्दी से सामान चलते ले, हैं ग्रोसरी स्टोर और अपना लेकर आते हैं घर के लिए कुछ सामान। क्या हो भाई यार यहाँ के, एक तो देखो हम जिस साइड से घुसेंगे उस साइड से, हाँ एक तो हम जा भी रॉन्ग साइड रहे, मगर यहाँ के यार कोई, यहाँ के भी तो ड्राइवर को, आप ड्राइविंग देखो ना, हर जगह हमारे साथ घुस जाते। बाकी यार अपना ग्रोसरी अपना लेकर आ चुके हैं अपना घर पर सीधा, देखते हैं। बाकी यार मैंने एक सेल का बोर्ड देखा था, एक घर भी बिक रहा है यार, थोड़ा सा अमीर वमीर हो जाए तो यार वो घर भी खरीदेंगे। ये सामने वाला ये कहाँ गया, ये मुझे दिखा नहीं, ये रहा आ गया सेल का बोर्ड लगा हुआ है। देखते हैं यार चल के इसको कितने में बिक रहा है, उतर के देखें कितने में बिक रहा है यार। ये तो अभी फिलहाल नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पे, पता नहीं कितने का बिक रहा है, फारिग है छोड़ो यार। अभी चलते हैं सीधा घर पर और अपना देते हैं यार उसको ग्रोसरी। चले यार थोड़ा सा, ओह एक तो भाई वो धंबा मेरे ऊपर आ रहा है, एक तो यार मेरा ड्राइविंग आला, इसलिए तो मैं गाड़ियाँ लाखों की उड़ा दूंगा। बाकी अबे यार जगह दे दो, एक तो तुम्हारे को भी इधर घुसने का है। चलो चलो रेस दो, और भाई सही सही भाई ये कौन सी गाड़ी निकली हमारे घर से, ये तो ब्लैक बेलर है। एक और निकली, ये मामला संगीन है भाई, एक और निकली। अंदर चल के देखते हैं यार क्या सीन है। बाकी यार मैं अंदर आ चुका हूँ अभी। ओ ओ भाई ओ ओ ओ, ओ भाई यार हमारी सारी गाड़ियाँ पड़ चुकी हैं, बस एक गाड़ी को छोड़ के अपनी लैम्बोर्गिनी सियान भी। ओ भाई ओ भाई गैराज में जल्दी से चल के देखता हूँ यार, गैराज तो नहीं फोड़ दिया इन्होंने यार, उसमें बंदे भी थे गाड़ी भी थी, इसको हमने मुश्किलों से चुराया था। ओ भाई ये उसी माफिया के काम होंगे, मुझे पहले ही शक हो रहा था उस पर, क्योंकि जब हमने देखा ना हमने गाड़ी चुराई है, हमें किसी ने मारा नहीं है, तो इसका मतलब हमें कोई देख रहा था ना, हमारे पे कोई नज़र रख रहा था यार। एक तो थोड़ा सा यार मैं बर्फ मार रहा हूँ यार, एक आग वाग भी बुझ गई, आग वाग भी बुझ चुकी है यार। मेरी लैम्बोर्गिनी सियान जिसको मैंने अभी बाय किया था, इसके तो पैसे भी नहीं दिए अभी तक, शुक्र है ये गाड़ी बच गई यार। फायर फाइटर वाले भी आ चुके हैं यार, अभी घर में देखें, घर में तो सब कुछ सही है। बाकी यार मुझे जिमी नज़र नहीं आ रहा यार, जिमी कहाँ जा चुका है, जिमी मुझे पूरे घर में नज़र नहीं आ रहा, कहीं वो जिमी को तो नहीं ले गए यार। जल्दी देखते हैं यार, बाकी यार डेड बॉडीज़ को, लेस्टर को कॉल करता हूँ यार, ये सीन हो चुका है, लेस्टर अपने डेड बॉडीज़ उठवा लेगा यहाँ से यार। बेचारा ये भी मर चुका है, वो तो जल के मर चुका है, ये बेचारा ऐसे ही मर चुका है। ओ भाई यार अपनी गाड़ी भी टूट चुकी है, पूरी फट चुकी है, मतलब यार ये तो बड़ा गलत मसला हो चुका है यार। इधर लेस्टर को जल्दी कॉल करता हूँ, लेस्टर को बोलता हूँ, लेस्टर को मैसेज कर दिया है भाई, अभी जल्दी से चलते हैं लेस्टर के पास। यार ये तो बड़ा गलत काम हो चुका है यार, ग्रोसरी गई भाड़ में, बाकी घर वाले बाकी सब है, एमेंडा ट्रेसी सब है, उसको हमारे पीछे गार्डनर ने ना पीछे वाले रास्ते से वो लेके जा चुका है, उनको एक अपना वो फार्म हाउस है, उसको मैंने वहाँ पे बोल दिया भाई। तो भाई अभी माइकल की फैमिली तो सेफ है, बाकी यार अभी चलते हैं लेस्टर के पास जल्दी से यार। लेस्टर से पूछते हैं यार ये क्या सीन हो चुका है, अपनी लैम्बोर्गिनी बाइक की भी भाई उसने फाड़ दी। मुझे पहले ही अलग लग रहा था, क्योंकि गाड़ियाँ हमारे घर से जैसे बेलर ब्लैक निकली है ना, तो ऐसे ये लग रहा था किसी बंदे को उठाने आए, क्योंकि बंदों को उठाने ज़्यादातर ऐसे ब्लैक कलर की गाड़ी से आती है, मतलब कार्स आती है ना यार,
अब ये गलत सीन हो चुका है यार। एक तो अपनी गाड़ी तो गई गई, दूसरे की भी गाड़ी गई यार। वो बहुत महंगी गाड़ी थी, मगर ये माफिया को तो आसरा ही नहीं। मतलब अपनी गाड़ी भी फुड़वाई और अपनी भी फुड़वा दी। मतलब इसको पैसे का टेंशन नहीं है यार। इसमें अभी माफिया से हमें बहुत खतरा है, इसलिए हमें दूसरे घर पर जाना होगा। उसके बंदे शायद आ जाएँ तोड़ फोड़ करने घर पर। इसलिए मैंने अपनी फैमिली को भी भेज चुका हूँ अपना फार्म हाउस है, मतलब उनके रिश्तेदार के ही घर पर भेज चुका हूँ, तो वो अपना सेफ है अभी फिलहाल। आने से पहले भाई हम टो ट्रक वहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि टो ट्रक से लेस्टर के बंदे ना हमारी गाड़ियाँ जो है ना अपना एक सेफ जगह पर लेके जाएंगे। लेस्टर ने बोला ब्लास्ट हो गई है, मसला नहीं है, फिर भी बन जाएंगी, मगर खर्चा वर्चा तो आएगा ज़रूर। मगर गाड़ी अभी भी वो है, रेट है उस गाड़ी का। तो मैंने बोला भाई ठीक है लेस्टर यार, ऐसा ही करना पड़ेगा। बाकी टो ट्रक यार अपने पास लेके चलते। बाकी यहाँ से मैं अपना बोल दूँगा अपने गार्डनर को कि भाई गाड़ी ले जाए यहाँ से। बाकी भाई थोड़ा सा साइड हो जाए यार, एक तो बंदे भी आगे आ रहे हैं यार। एक तो पहले दिमाग गरम लगा पड़ा है, गाड़ियाँ हमारी चली गई हैं भाई। जल्दी से पहुँचते हैं यार यहाँ पे सीधा घर पर। भाई ये टो ट्रक लेकर हम अपने घर पे पहुँच चुके हैं। बाकी यार यहाँ पे अपना जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं ये सब कुछ अपना अभी बने लेस्टर के बंदे आके उठवाएंगे। बाकी अभी हम तो सीधा जाएंगे यार अपना फ्रैंकलिन के घर, क्योंकि लेस्टर ने बोला तो वहाँ सीधा आ जाओ, मैं फ्रैंकलिन के घर आया हूँ, क्योंकि मेरे घर पर भी शायद आ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि तुम मेरे घर पर आते रहते हो ना, लेस्टर ने बोला तो शायद तुम्हें उन्होंने देख लिया हो, इसलिए मैं फ्रैंकलिन के घर आया हूँ। फ्रैंकलिन का किसी ने भी नहीं देखा ना, तो इसलिए अभी जल्दी से भाई चलते फ्रैंकलिन के घर। और बाकी अपना लेस्टर के बंदों ने सब कुछ सही कर दिया इधर, बॉडीज और गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके गए हैं। लेस्टर ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, पर हमें जान पहले सबसे ज़्यादा है। बाकी यार अपनी गाड़ी तो जो है अपना ट्रेस अपना उनको मैंने अपना गार्डनर आया था उसको मैंने अपनी गाड़ी दे दी, और बोला घर वालों को काम में हो तो गाड़ी उनको दे देना, बाकी मैं ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ। बाकी ये गाड़ी लेकर भाई जल्दी से जाऊँ लेस्टर के वो फ्रैंकलिन के घर। वहाँ लेस्टर है यार, उससे जल्दी से पूछते हैं भाई क्या प्लान है। हमें बहुत खतरा है, क्योंकि वो माफिया है, उसका पूरा शहर पे कंट्रोल है। मगर अभी तो हमें उसका टारगेट तो हम ही है ना, अगर हम उसके हत्थे चढ़ गए तो कुत्ते की तरह मारेगा हमें। क्योंकि हमने यार एक तो मुझे मुझे शक तो इसी बात पर हुआ है कि फ्रैंकलिन ने मास्क नहीं पहना था। सबसे बड़ी मेरा गुस्सा तो मुझे उसी पे आ रहा है कि तूने मास्क क्यों नहीं पहना। दूसरा हम पे पहले ही नज़र रखी जा रही थी भाई। अभी जल्दी से चलते हैं यार, पहुंचते हैं फ्रैंकलिन के घर पर। ओ भाई आराम से यार, एक तो भाई देखें यार वहाँ क्या सीन है, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश वारिश होने वाली है यार। तो भाई हम पहुँच चुके हैं फ्रैंकलिन के घर पर। फ्रैंकलिन कहाँ पे है? अच्छा यहीं पर होगा, लेस्टर की गाड़ी वाड़ी अच्छा गैराज में खड़ी करी होगी। भाई जल्दी से चलते हैं यार, बारिश वारिश भी टाइट हो रही है यार। आज क्या सीन हो गया यार, पूरा सूट भीग चुका है मेरा तो। चलते हैं देखते हैं यार ये क्या कर रहे हैं। चिल कर रहे हुए तो बड़ा गुस्सा आएगा। ये देखो भाई कॉफ़ी पी जा रही है यार, मेरी तो गाड़ी फूट गई ना। इसकी फोर्ड मस्टैंग सही है, पर जो भी है यार अपने भाई हैं यार हैं जो भी हैं, इनसे बात करते हैं यार। तो भाई लेस्टर से अभी बात हो चुकी है। लेस्टर ने बोला कि भाई उसकी वार्निंग आई है हमारे पास कि तुम्हारे पास 3 दिन है, पूरे दिन में कहीं पर पूरे शहर में कहीं पर भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बोलते मुझे पता था कि गाड़ी चुराने तुम आओगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने कैमरा से देख रहा था। मैं भी यार एक तो हमने कैमरा भी फोड़े नहीं, और बोलते मैंने एक बंदा फ्रैंकलिन का बोला कि फ्रैंकलिन की शक्ल देख लिया, माइकल का मुझे भी पहचान लिया उसके ज़रिए। और यार बहुत गुस्सा आ रहा है अभी तो मुझे यार फ्रैंकलिन पे, तो अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसको मुक्का मारने आना था, इसके पोर तोड़ता हूँ, एक और तोड़ता हूँ, इसकी वजह से हम गए ना। अभी बोलेगा तो मुझे कुछ नहीं। बाकी यार बहुत गुस्सा आ रहा है यार, हमारा बहुत गलत सीन हो चुका है यार। आज इसकी वजह से मेरी गाड़ियाँ फूट गई, मेरे घर वाले शुक्र है बच गए घर वाले। और दूसरी बात भाई, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि लेस्टर ने बताया कि मेरा जिमी बेटा किडनैप हो चुका है, वो भी उसके पास। तो सबसे बड़ी मसले की बात यही है कि माइकल का बेटे जिमी उसके पास है। अब हम कहीं पर भी भाग नहीं सकते, क्योंकि हमें उसी को छुड़वाना होगा। बाकी यार ये बहुत गलत इसी में हो चुका है, मेरा तो इधर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं बाहर जाके खड़ा होगा बारिश में यार। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर जाके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बताइएगा कि हमारी सीरीज़ के एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे। बाकी यार थैंक यू फॉर मेरी वीडियो पर आप व्यूज़ कर रहे हो पहली बार गाइस, 50 से ऊपर व्यूज़ गए, बहुत खुशी हुई मुझे। बाकी गाइस इसी तरह व्यूज़ और अपना इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।